के ठाकुर द्वारा नगर में सिंहारा मार्ग पर स्थित शेनाई मैरिज हॉल के पास पन्नी के गोदाम में भयंकर आग लग गई। आसपास के कई घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। गोदाम पन्नी से भरा हुआ था। आग लगने से आसपास के एरिया में अफरा तफरी मच गई। आगजनी की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद दमकल के कई वाहनों ने आग पर काबू पाया। वहीं आगजनी से लाखों का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि तेज हवा व गर्मी के चलते बिजली के तारों से निकली चिंगारी के कारण आग लगी है। वही गोदाम स्वामी बबलू ने बताया कि उसका पन्नी का कारोबार है। पन्नी स्टॉक के लिए उसने गोदाम बनाया है। करीब 2:30 बजे अचानक गोदाम में धुआं उठने लगा और धुएं ने भयंकर आग का रूप ले लिया। देखते ही देखते आग फैलती चली गई। वही मौके पर पहुंचे सपा विधायक नवाब जान ने खुद घटना स्थल की भयकर्ता को देखकर उन्होंने तुरंत नैनी पेपर मिल, सिद्धार्थ पेपर मिल, पशुपति फैक्ट्री व फायर ब्रिगेड उत्तराखंड से संपर्क कर सभी की गाड़ियों को मौके पर बुलाया, जिससे आग पर काबू पाया गया। इससे कई घरों के जान माल की क्षति होने से बची है। वहीं पास में ही गैस सिलेंडर फट गया, जिसमें बड़ा हादसा होने से बच गया है। आपका नाम क्या है? हाजी मोहम्मद उमर। क्या मामला है आग जो लगी है? ये कोई बिजली के तारों से आग लगी है, इसमें बता रहे लोग बात। अच्छा, कब लगी आग? अभी करीब आधा घंटा पहले। ये क्या काय की फैक्ट्री थी? ये पिन्नी है, इसमें अंदर पिन्नी। अच्छा, पिन्नी का गोदाम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले जिनकी फैक्ट्री है? रामनगर खाकू वाले के। उनको इत्तला नहीं करी किसी ने अभी? आ गए वो। अच्छा, यहाँ प्रशासन कौन कौन मौजूद है? प्रशासन तो है, फारगेट वाले भी सारे हैं। मुरादाबाद को फोन करा है, दो गाड़ी मुरादाबाद से आ रही है। अच्छा, और साइड वाला मकान भी गिर गया है। अच्छा, आग बुझी नहीं अभी इनसे? अभी नहीं बुझी, एक गाड़ी से कैसे आग बुझ जाएगी। अच्छा, दो गाड़ी छोटी है, एक बड़ी है, दो मुरादाबाद से आ रही है।